एंड वेलकम टू माय चैनल इन ब्यूटी ऑन ड्यूटी। अभी के लोगों के बाल बहुत ही ज्यादा टूटते हैं और ऊपर से टूटते तो है बट फिर से रीग्रोथ होती ही नहीं है, फिर से तो बाल आते ही नहीं है। तो ऐसे प्रॉब्लम का सलूशन क्या किया जाए? भले आप कितना भी अच्छा ऑयल यूज करो, कितना भी अच्छा शैम्पू यूज करो, फिर भी वो फर्क आपके बालों को नहीं पड़ता है। बट मैं आपको जो सलूशन बताने वाली हूँ वो इतनी आसान है और इतनी फायदेमंद है, आप मुझे आप पक्का कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि हमारे हेयर पे अलग ही शाइन और अलग ही ग्रोथ होती है। सो फ्रेंड्स, उसके पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बड़ी सी लाइक दे देना है, कंजूस से बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये फ्री है, मुफ्त है, तो इतना तो कर ही सकते हो राइट। और आपके दोस्तों के साथ तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आप इंस्टा पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टा आईडी है इंडियन ब्यूटी ऑन ड्यूटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है हाफ कप ऑफ राइस। मैंने राइस वाटर इसीलिए मैंने लिया है क्योंकि इसमें होता है विटामिन ई, बी एंड सी, जो आपके हेयर ग्रोथ को बहुत ही बढ़िया मदद करेगा ग्रोथ और स्ट्रॉन्गर रखने में। और मैंने उसमें उतना ही पानी भी मिक्स कर लिया है। आप चाहते हो तो आप ज्यादा भी राइस वाटर और राइस ले सकते हो, जैसे आपकी हेयर ग्रोथ है, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर मैं उसको ऐसे कंटेनर में स्टोर करके रख दूंगी 15 से 20 मिनट तक। आप चाहते हो तो आधे घंटे तक भी आप रख सकते हो। और फिर उसको अच्छे से सोखने देना है पानी, कि आप पूरा राइस का जो भी मिनरल विटामिन हो वो आपके स्कैल्प को लगे। फिर आप देख ही सकते हो 15 से 20 मिनट बाद ये पूरा पानी सोख गया है। और आसान था बनाना राइट, और ये आपके बालों को इतना हेल्प करेगा ना रीग्रोथ के लिए। ऐसा आप स्प्रे बॉटल में, आपको कोई भी केमिस्ट स्टोर में या मार्केट में मिल जाएगी ऐसी स्प्रे बॉटल, तो आप बिल्कुल इसे यूज करिएगा। और फिर आप चाहते हो तो इसमें आप रोज वाटर भी मिला सकते हो। और फिर आपको क्या करना है, ऐसे कोम से आपको ऐसे मांग निकालना है, ऐसे मांग निकालना है आपको प्रॉपरली। और आपको क्या करना है, ऐसे जस्ट स्प्रे कर देना है ऐसे, ऐसे आप देख सकते हो, ऐसे आपको पूरे बालों पे स्प्रे कर देना है। तो इससे ना आपकी हेयर ग्रोथ इतनी अच्छी होगी ना, क्योंकि ये आपके स्कैल्प को पूरा क्लीन करेगा, मॉइस्चराइज रखेगा, तो और आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। और आपके मेन तो बाल को बहुत ही ज्यादा शाइनी रखेगा। तो ऐसे आपको जस्ट स्प्रिंकल कर देना है। आप चाहिए तो आप ऐसे एंड्स पे भी स्प्रिंकल कर सकते हो, क्योंकि आप अगर एंड्स पे स्प्रिंकल करोगे ना तो आपके ये स्प्लिटेंस की भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, देखा हमने कितना आसान था ये बनाना, तो बिल्कुल आप ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये कैसा वर्क किया आपके लिए। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ही और बड़ी सी भी लाइक दे दीजिएगा, कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा, प्यार अपना दिखाइएगा और आप आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ बिल्कुल शेयर करिएगा जिसको हेयर की प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो, प्लीज आप उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सो फ्रेंड्स, मिलती हूं आपको ऐसे ही वीडियो के साथ। टिल देन केयर, बाय बाय।